यहाँ आके लगता है एक्सीडेंट हो गया है भाई, बहुत खतरनाक हुआ है। अरे बाप रे बाप, वो देखो भाई साहब, मैंने पूरी लाइफ में अपना इतना खतरनाक एक्सीडेंट लाइव नहीं देखा था। मतलब जितने लोग लड़े हुए हैं सबकी हालत बहुत खराब है, खत्म हो गए हैं सब, कोई नहीं बचा, एक आदमी बचा, एक आदमी मतलब। लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंजेस ये है कि हम मुंबई नहीं जा रहे। यस, मेरा प्लान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यू ब्यूटीफुल पीपल। तो की हाल चाल है आप सभी के? तो भाई साहब, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और नहा वहा के हम फ्रेश हो चुके हैं। एक्चुअली हम जा रहे बस्ती, कुछ काम है हमें। अब क्या काम है क्या नहीं वो हम आपको चल के बताएंगे, क्या काम है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यस, चलो भाई साहब, गाड़ी पास पहुंचते ही हमने एसी ऑन कर दिया, थोड़ा टाइम ऑन करके रख दिया, गाड़ी थोड़ा ठंडा हो जाए वरना बहुत गर्म हो गया। और गाड़ी हमारी थोड़ी गंदी हो जाती है यार। एक्चुअली ये टाइम ऐसा है कि धूल उड़ने वाला टाइम है, थोड़ी भी गाड़ी बाहर निकालोगे तो धूल ही धूल, देख रहे हो, बहुत धूल। शिट, कितना भी साफ कर लो गाड़ी गंदा ही रहेगा। गाड़ी जो साफ कर ले फटाफट। तो भाई साहब फिलहाल अपनी गाड़ी लेके निकल चुके हैं और ये रहे तौफीक सेठ। तो हम लोग चल रहे बस्ती। अब क्यों चल रहे क्यों नहीं आपको बस्ती चल के बताएंगे, दो चार काम है ना। तो फिर चलो भाई साहब, तो पीछे हमारे कुछ हैवी ड्राइवर लोग जा रहे हैं, ये देखिए ड्यूक लेके, क्या बात है। रियाला देख ला रही है, अरे चार पहिए का टाली है ना, वो ट्रैक्टर सही चला रहा ना, ये काम। यहाँ आगे लगता है एक्सीडेंट हो गया है भाई, बहुत खतरनाक हुआ है। अरे बाप रे बाप, वो देखो बाप रे, वो देखो ऑटो दे, अभी अभी चल चल चल, गाड़ी आगे बढ़ा। चलो भैया चलो, संभाल के चलो भाई, हमने ड्राइविंग दे दिया तौफीक को, मेरे बस। भाई साहब, मैंने पूरी लाइफ में अपना इतना खतरनाक एक्सीडेंट लाइव नहीं देखा था। मतलब जितने लोग लड़े हुए हैं सबकी हालत बहुत खराब है, खत्म हो गए हैं सब, कोई नहीं बचा, एक आदमी बचा, एक आदमी मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है, बहुत मतलब चिल्ला रहा है, उसका भी हाथ पैर सब मतलब कट चुका है। जो हमारे सामने गाड़ी जा रही है इसी में लेके जा रहे उन लोग को, सब तीन चार जने इसमें रखे, पुलिस वाले भी हैं इसमें। A few moments later. तो भाई साहब हम आए थे दवा खाना, अभी हम बताएंगे क्यों आए थे हम दवा खाना। तब एक सेट कहाँ लेके आए हो? डॉक्टर मुदस्सिर खान। भाई साहब एक्चुअली हम आए थे हॉस्पिटल, हमको दवा लेना था। अब दवा किस चीज का लेना था हम बताते हैं यार। तो भाई साहब दवा हमको लेना था, ये देखिए हमारे स्किन पे कुछ ऐसे वाइट स्पॉट हो जा रहे थे, तो वही मैंने दिखा के दवा लिया। तो उन्होंने बोला नॉर्मल है, पता नहीं क्या कुछ इन्फेक्शन वगैरह है स्किन में, तो दवा दिया है और कुछ क्रीम दिया लगाने के लिए। तो बोले थे कि सही हो जाए, एक डेढ़ हफ्ते में हो जाएगा, तो अच्छी बात। तो भाई साहब एक दूसरा काम हमें ये था कि हमें जाना था RTO ऑफिस, लेकिन हमें पता नहीं था कि आज अम्बेडकर जयंती, जिसकी वजह से वो बंद है। गए थे देखे पूरा बंद है, तो हम लौट आए। एक्चुअली हमारे गाड़ी का RC आया हुआ वहाँ पे, तो नंबर प्लेट तो लग गया लेकिन RC लेना था, तो हुआ नहीं काम। तो फटाफट हम लोग अब घर चल रहे हैं, काम और काम करके है कि नहीं, तो फिर चलते घर भाई साहब। चलो भैया पहुंच गया घर।
भाई साहब हम घर पे पहुंच गए। जी शाम क्या कर रहा है? आ स्कूल नहीं गया? मालूम है रास्ते में बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। किसका? अरे थे गाड़ी वाले, ऑटो और डीसीएम में टक्कर। देखे थे आप? नहीं, हम लोग मतलब पहुंचे तो 15-20 मिनट हो गया था। पुलिस वाले पूरे आदमी लोग घेरे थे। और सुनो, एक जगह तो लड़ाया फिर आगे भी जाके लड़ा दिया अगले वाले चौराहे। हाँ वही गाड़ी वाला, सोच लो। और भाई साहब वक्त हो चला है इफ्तारी का, यहाँ पे तैयारी हो रहा है। ये क्या देख के बन रहा है? क्या बना रहा है समीर? बटर चिकन। ये देखो भाई साहब भजिया निकल लो। आज कुछ रखा नहीं, जल्दी करो भाई, हो गया वक्त। A few moments later. तो भाई साहब इफ्तारी वगैरह कर लिया है और खाना भी खा लिया हमने। और आई थिंक इतने बजे मुझे स्टेशन पे होना चाहिए था क्योंकि 11:30 बजे का मेरा ट्रेन था। लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंजेस ये है कि हम मुंबई नहीं जा रहे। यस, मेरा प्लान तो था जाने का, बट मैंने मेरा टिकट जो है कैंसिल कर दिया। रात को ही कैंसिल कर दिया, लेकिन मैंने व्लॉग में भी बताया, मैं सोचा कि शाम को आप लोगों को बताता हूँ। तो बात ये है कि हम मुंबई नहीं जा रहे इसलिए क्योंकि मैं सोचा कि निक्की को थोड़ा और टाइम दे दूँ, क्योंकि अभी आई थिंक 15-20 दिन हुआ है जाके और ईद भी आ रहा है। तो मैं सोचा अपनी फैमिली में ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ईद के बाद वो घर पे उनके फैमिली आएंगे यहाँ गांव पे, तो साथ में ही आ जाएंगे। तो पहले तो सोचा था कि मैं ही जाके ले आऊँगा, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा अलग सोचा, मतलब प्लान में थोड़ा चेंजेस हो गया बस, तो इसकी वजह से हम मुंबई नहीं जा रहे। यस, थोड़ा पोपट हो गया, नहीं तो अभी तक हम स्टेशन होते। यस, तो होता है यार, मतलब मूड के ऊपर रहता है, कभी मन करता है जाने का, कभी नहीं करता। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि कैसा आप सोच रहे हैं। यस, और भाई साहब आज जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, वो बहुत ही डेंजरस था। मतलब अभी भी मेरे दिमाग से जा नहीं रहा है। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि भाई जो जहाँ जाए वो अच्छे सही सलामत जाए। भाई कहीं भी जाया करो तो केयरफुल होके जाया करो, और गाड़ी चलाओ, बाइक चलाओ, कोई भी चीज़ चलाओ तो बहुत सावधान होके। यस, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। एक्चुअली इंसान की जो ज़िंदगी होती है ना, उसका कोई मतलब कीमत है नहीं। एक चुटकी में है, एक चुटकी में गायब। तो यस, केयरफुल यार।